हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एचपी सिंह आज आपके सामने पुनः हाजिर है। दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ नई चीज योग के अलावा कि कैसे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हो। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अर्थराइटिस के बारे में, आयुर्वेद कैसे अर्थराइटिस की बीमारी को दूर करता है। ये दोस्तों आप लोगों ने इसको सही ढंग से सुना और सही ढंग से इलाज आपका किया तो आपका चाहे 10 साल पुराना गठिया हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 30 साल, इवन चाहे वो 40 साल का ही गठिया क्यों ना हो, वो आपको बिल्कुल सही कर देगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा हर श्रृंगार जिसको कहते हैं, और उसको कहते हैं संस्कृत में पारिजात। अगर आपने देखा होगा तो इसका हम सिंबल बता देते हैं कैसे होता है। उसमें सफेद सफेद फूल होते हैं और उसकी जो डंडी होती है वो ब्राउन कलर की होती है। उस फूल में महक बहुत ज्यादा होती है, रात में उसका पुष्प गिर जाता है जमीन पर, बहुत महकता है, उसको पारिजात कहते हैं और यहाँ हर श्रृंगार कहा जाता है, संस्कृत में पारिजात वृक्ष कहा जाता है। ये बहुत जल्दी प्लांट उग जाता है और बहुत जल्दी डेवलप होकर के फूल देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि आप 6 या 7 पत्ते पारिजात के तोड़ लाइए। फूल को याद रखिएगा नहीं लाना है, पारिजात के पत्ते को 6 या 7 तोड़ लाइए और 1 गिलास पानी में आप उसको चटनी बना के डाल दीजिए। कैसे? पारिजात के 6 या 7 पत्तों को आपने तोड़ा, उसके बाद उसको आप किसी बट्टे पर पीस डालिए, चटनी की तरह बना लीजिए और 1 गिलास पानी ले लीजिए। उस 1 गिलास पानी में उस चटनी को आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसको इतना ज्यादा गर्म करिए, उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए। उसके बाद ये शाम को ही क्रिया करनी है। उबालने के बाद आप उसको रख दीजिए एज इट इज, छानना नहीं है। सवेरे आप फ्रेश होने के बाद खाली पेट उसी को, जो आधा गिलास आपने छान के रखा है उसी को आप पी जाइए और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है और ना ही पीना है। ये क्रिया आप यदि 3 महीने तक करते हैं तो आपका पुराना से पुराना गठिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 15 दिन में ही आपको, 1 हफ्ते में ही असर दिखाने लगेगा। आपकी गठिया भी सही हो जाएगी, आपके जो पेन होता है वो भी सही हो जाएगा, कार्टिलेज अगर घिस गई है तो वो भी डेवलप हो जाती है। साइनोवियल फ्लूट जो होता है, जिसकी कमी की वजह से हमारे घुटने में घिसाव होता है और बोन्स हमारी नुकीली हो जाती है, वो हमारे मस्कुलर में चुभती है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको गौर से सुन लीजिए। पारिजात का वृक्ष होता है जिसको हम हरसिंगार कहते हैं, उसका पुष्प सफेद रंग का होता है और उसकी डंडी जो होती है, तना जिसको बोलते हैं, वो ब्राउन कलर का होता है। आप किसी से पूछ कर उसको पहचान सकते हैं, अपने घर में आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपका पुराना आर्थराइटिस है तो उस प्लांट को आप ले आइए नर्सरी में जाकर के, घर में आप लगा दीजिए तो बहुत जल्दी से वो डेवलप हो जाता है। किसी भी तरह की जमीन हो, उसके पत्ते को 6-7 आप तोड़ लाइए। तोड़ने के बाद उसको आप चटनी बना लीजिए, जैसे चटनी पीसते हैं उसी तरह से चटनी बना लीजिए। 1 गिलास पानी में आप उसको डाल के पानी को इतना गर्म करिए, इतना बॉयल करिए कि पानी बॉयल होने के बाद आधा बच जाए। आधा जब बच जाए तो उसको उतार लीजिए, उतारने के बाद आप उसको रख दीजिए। जब वो पानी ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद सवेरे फ्रेश होने के बाद बिना कुछ खाए पिए खाली पेट उसी पानी को आपको पी लेना है। जी हाँ, उसको छानना नहीं है। यदि आप छान के पीते हो तो वो थोड़े दिन में फायदा करेगा, लेकिन यदि आप वैसे पी लेते हो तो आपको वो
बिल्कुल सही कर देगा। 15 दिन में आपको हफ्ते भर में असर दिखाने लगता है। 40 साल पुरानी गठिया है तो आपको 3 से 6 महीना प्रयोग में लाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दर्द वगैरह सब गायब हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि आपको चिकुनगुनिया की बीमारी हो गई या बोन्स की किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो या फीवर आ गया हो तो वो भी हमेशा के लिए इसी से ठीक हो जाएगा। इसलिए आप इसको इत्मीनान करके उस वृक्ष के पत्तों को लाइए और उसकी जैसे बताया गया है उसी तरह से आप उसको प्रयोग में लाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बाद जो है दोबारा आपको अर्थराइटिस की बीमारी नहीं होगी, भले ही वो पुरानी अर्थराइटिस चाहे ऑस्टियो अर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या स्पाइनल अर्थराइटिस हो, सारी अर्थराइटिस आपकी सही हो जाएगी। जो बात हमने बताई है ठीक वैसे करना है। ध्यान रखिएगा, फूल को नहीं लाना है, केवल पत्तों को लाना है, उसको पीस करके चटनी बना के पानी में बॉयल करके आपको पीना है। ये क्रिया यदि आप करते हो तो आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और दूसरा रेमेडी हम आपको और बता रहे हैं, इसको तो करिए करिए, अगर इससे भी इजी वे आपको बताना चाहते हैं कि आप एक चम्मच मेथी ले लीजिए। मेथी लेने के बाद आप उस मेथी को सवेरे साफ करके पानी में पौन गिलास पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सवेरे फ्रेश होने के बाद आप उस जल को पी लीजिए और मेथी को कूच कूच के खा जाइए तो वो भी आपको अर्थराइटिस में काफी आराम देती है। ये चाहे कर सकते हैं या दूसरा कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की पूछताछ करना है तो हमारे निरोगी चायल कायल निरोगी काया चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसके बाद शेयर करिए, आइकन बटन को दबाइए। आप के पास हमारे सारी नोटिफिकेशन हमारा मोबाइल आपके मोबाइल पर पहुंचाता रहेगा, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों जो बताया गया है ये बहुत ही सस्ता और आसान इलाज है। आप वृक्ष को ढूंढ लीजिए, नहीं समझ में आता है किसी से आप पूछ लीजिए या नर्सरी में जाके आप जानकारी ले लीजिए। जैसे बताया गया है ऐसे यदि आप करते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास किसी भी तरह का कोई उपचार कराने की जरूरत नहीं है। ये उपचार बहुत ही अच्छा है, आप स्वस्थ हो जाएंगे और एक निरोगी जीवन बिताएंगे। एपिन जो आदमी अपने घुटने को इम्प्लांट करने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाने के लिए रेडी हैं या सोच रहे हैं जाने के लिए, तो घुटना इम्प्लांट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि घुटना ज्यादा दिन नहीं चलता है, बहुत जल्दी उसका किट खराब हो जाता है। चाहे वो आपके टांग का घुटना हो, चाहे आपका कूल्हा इम्प्लांट होना है। आपने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिस्टर राणा बाहर से चार्टर्ड प्लेन से मंगाए गए थे और उनके कूल्हे को घुटने को बदला, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह से खुद सुनिए कि वो पहले की अपेक्षा ज्यादा परेशान है। इसलिए अपना घुटना चेंज कराने की जरूरत नहीं है, पहले ये प्रक्रिया जो बताई जा रही है इसको करके आप देख लीजिए। देखने के बाद आप खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसा बताया गया है वैसे आप करिए और हमारे निरोगी काया चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आइकन बटन को दबाइए और आप इसको सुनिए और लाइक करिए। हर तरह के रोगों के निदान के बारे में हम योग के बारे में आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं, आप इस जानकारी को सुनिए और एक अस्वस्थ जीवन शैली को छोड़कर आप स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से आप व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, बताइए कि ये दवा कैसे उपचार आपको काम में आता है, अच्छा करता है या खराब करता है, इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।